माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डिटेल बैठक की है और ये पाया कि उन जिलों में, जिन जिलों में छह या छह से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए, उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए, पूरे एरिया को जो है उसको हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल एक हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल एक हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट है, 4 छोटे हॉटस्पॉट है, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जनसहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी।